हेलो दोस्तों, नमस्ते। राजस्थान ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा को लेकर इस वक्त की बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हो हाई कोर्ट के अंदर जो है यहाँ पर जो है इसकी रिट जो है दायर हो चुकी है। और आप देख सकते हो बंसी लाल ने यहाँ पर जो है ये याचिका दर्ज की है और एडवोकेट का नाम है दोस्तों कोमल कुमार गिरी। दोस्तों पूरा मामला क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों कि कब तक रिजल्ट आएगा और दोस्तों अगली सुनवाई कब तक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों जो नेक्स्ट इसकी सुनवाई होने वाली है वो 6 अप्रैल 2022 तक। लेकिन दोस्तों 6 अप्रैल 2022 से पहले भी आपका रिजल्ट यहाँ पर जारी हो सकता है। इसके बारे में स्पष्ट यहाँ पर जो है कोर्ट ने कहा है कि जो है बोर्ड है स्वतंत्र है रिजल्ट जारी करने को लेकर। लेकिन दोस्तों पेच ये फंस रहा है कि नॉर्मलाइजेशन के लिए बोर्ड तैयार नहीं है और जो ये विद्यार्थी है जिन्होंने रिट लगाई है इनका कहना है कि बाकी भर्तियों की तरह यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन किया जाए। अब दोस्तों आप ही कमेंट करके बताएं क्योंकि दोस्तों जो नॉर्मलाइजेशन की वजह से पिछली भर्ती जो पटवार की अभी वैकेंसी हुई है उसके अंदर कितने विद्यार्थियों को नुकसान हुआ है। तो इसी को लेकर दोस्तों हो सकता है नॉर्मलाइजेशन के अंदर काफ़ी नंबर जो है यहाँ पर कम हो सकते हैं विद्यार्थियों के। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों आपका क्या विचार है, क्या नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। रिजल्ट की बात करें तो दोस्तों रिजल्ट जो है बोर्ड यहाँ पर अप्रैल के पहले वीक के अंदर यहाँ पर जारी कर सकता है दोस्तों। तो ताज़ा अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं नए वीडियो में। ज़रूर कमेंट करके बताएं कि क्या नॉमिनेशन इसमें होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये पूरी डिटेल आपको यहाँ पर देख सकते हो आप जो है इनमें जो विद्यार्थी हैं उन्होंने यहाँ पर रेट लगाई है और राजस्थान हाई कोर्ट जो जयपुर बेंच है वहाँ पर ये रेट लगाई गई है। तो मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।